हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एसएसटी सोशल साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर है आपका एयर एंड वाटर, ठीक है, हवा और पानी। चैप्टर नंबर है आपका 5, एयर एंड वाटर। एयर इज ऑल अराउंड अस। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू लिव। एयर इज मिक्सचर ऑफ वायरस गैसेस। These are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases. Water vapor and dust particles are also found in the air. Air जो है वो सभी जगह पे मौजूद है। Air गैसों का mixture है, ठीक है ना। इसमें आपको nitrogen, oxygen, carbon dioxide और भी तरह तरह के गैस जो है वो मिले हुए हैं। ये सभी गैसों का मिक्सचर है, ठीक है ना। वी ऑल नीड एयर टू ब्रेथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एयर वी ब्रेथ इज क्लीन एंड फ्रेश। ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। वी ऑल नीड एयर टू ब्रेथ। हम लोग इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, ब्रेथ, सांस लेते हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, आउट करते हैं, यानी कि बाहर करते हैं। प्लांट्स एंड ट्री मेक द एयर फ्रेश एज दे अस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन। और हम लोग इंसान जो है, मनुष्य जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिस तरह से कि हमारे आसपास की हवा जो होती है वो शुद्ध होती है, ठीक है। इन दिस प्लांट्स मेक द एयर क्लीन फॉर अस एंड एनरिच इट विथ ऑक्सीजन। डर्टी और पॉल्यूटेड एयर इज बैड फॉर आवर हेल्थ एंड हार्म्स द एनवायरमेंट अराउंड अस। एयर ऑल्सो हेल्प इन ब्रेगेंस, ठीक है। एयर जो होता है हमारे लिए अशुद्ध हवा जो होती है वो हमारे लिए हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है, वो हमें हानि पहुंचाती है, जिससे कि हमारे शरीर को शरीर पे प्रभाव पड़ता है। हमारी आसपास की जो वातावरण होती है वो भी अशुद्ध हो जाती है, ठीक है। एज अर्लियर डिस्क्यूज दैट वी शुड ब्रेथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। हमें फ्रेश एयर यानी कि शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। टू गेट फ्रेश एयर वी शुड, हमें फ्रेश एयर कैसे मिल सकता है, तो प्लांट मोर ट्री, हमें प्लांट लगाने चाहिए। टेक अ रेगुलर मॉर्निंग वॉक टू पार्क्स और ग्रीन एरियाज टू एंजॉय फ्रेश एयर। हमें सुबह में पार्क में घूमना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, और हरे ग्रीन पार्क, जहां की पेड़ पौधे लगे हो, वहां हरियाली हो, क्योंकि वहां की हवा जो होती है वो शुद्ध होती है, इसलिए हमें वहां पे घूमना चाहिए, ठीक है। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज। हमें गार्बेज जो होता है वो ओपन एरिया में यानी कि खुले हुए जगहों पे नहीं फेंकना चाहिए। Keep the doors and windows open to let in sunlight and fresh air, especially in the morning. हमें सुबह के समय में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर के अंदर शुद्ध हवा आती है और सूर्य की रोशनी भी आती है। If we breathe in dirty and harmful air, ठीक है, we fall sick when the environment around us is polluted, if affects
us dirty. So we must protect our environment from begins polluted. Each one of us must play an important role in keeping the air around us clean, fresh and healthy. हमारे चारों तरफ के environment जो होते हैं, वातावरण जो होते हैं, वो शुद्ध होने चाहिए. वहां की हवा शुद्ध होनी चाहिए. अगर वहां की हवा शुद्ध नहीं होती है तो या अगर हमारी हवा शुद्ध नहीं होती है तो वो वातावरण जो होता है हमारे लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है. वो डर्टी एयर जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है. वो हमें तरह तरह से क्षति हानि पहुंचाता है. हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियों से सामना करना पड़ता है. इसलिए हमें अपने घर के चारों तरफ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि हमारे घर के चारों तरफ की जलवायु वातावरण जो हो वो शुद्ध हो, जिससे कि हमें शुद्ध हवा मिल सके. ठीक है. वाई डू वी नीड वाटर. ठीक है. वाटर इज अ क्लियर, कलरफुल, कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड दैट वी नीड टू ड्रिंक. वाटर जो है उसका कोई कलर नहीं होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है. वो एक लिक्विड है जिसे कि हम लोग पीते हैं. ठीक है. नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट ऑल द लिविंग क्रिएचर्स ऑल्सो नीड वाटर. वाटर को, पानी को केवल ह्यूमन बींग्स नहीं लेते हैं, इसे ऑल द लिविंग क्रिएचर, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो सभी इसे लेते हैं. ठीक है. लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. हमारा जीवन जो है वो बिना पानी का संभव नहीं है. द अर्थ हैज लाइफ बिकॉज इट हैज वाटर, एयर एंड सनलाइट. अर्थ पे हमारा जीवन क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ वाटर भी है, एयर भी है और आपका सनलाइट भी है. ठीक है. वाटर इज नीडेड टू ड्रिंक, वॉश, बाथ, कुक, क्लीनिंग, एटीसी. वाटर से हम लोग क्या क्या करते हैं? उसे पीते हैं, वॉश करते हैं, बाथ करते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं और भी तरह तरह के काम हम लोग करते हैं. ठीक है. प्लांट्स एंड ट्री ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो. अगर प्लांट्स और ट्री को वाटर नहीं मिले तो वो ग्रो यानी कि बड़ा नहीं होगा. ठीक है. एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ. एनिमल्स जो होते हैं वो भी पानी को पीने के काम में लाते हैं और नहाने के काम में लाते हैं. वाटर सपोर्ट फिश एंड अदर मरीन लिव्स टू. वाटर सपोर्ट यानी कि फिश भी वाटर के अंदर ही रहती है. अगर वाटर के अंदर वो नहीं रहेगी तो वो मर जाती है. और मरीन यानी कि समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो उस पानी में रहते हैं और उस पानी के बिना वो मर जाएंगे. ठीक है. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. वाटर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. This type of electricity made with the help of water is called hydroelectricity. ठीक है. Different form of water. ठीक है ना. अब हम water का different types देखेंगे कि water जो होता है वो अलग अलग होता है. ठीक है. Water is present on the earth in three form, i.e. liquid, सॉलिड एंड गैस. वाटर चेंज इट्स फ्रॉम ऑन हीटिंग एंड ऑन कूलिंग. वाटर तीन तरह के होते हैं. यहां देखिए, वाटर लिक्विड है आपका जो कि द्रव होता है. आइस यानी कि सॉलिड होता है. जब हम बर्फ जमाते हैं, बर्फ बनता है, जब आइस पानी बर्फ हो जाता है तो वो क्या होता है? सॉलिड हो जाता है. और जब हम बॉइलिंग करते हैं तो वो क्या होता है? स्टीम होता है यानी कि भाप बनता है. ठीक है. यानी कि गैस बनता है और वो भाप बन के कहाँ जाता है? ऊपर चला जाता है. ठीक है. द वाटर साइकिल इन नेचर टू वाटर के चेंजिंग इट्स फ्रॉम इट इज चेंज दैट फ्रॉम्स क्लाउड एंड रेन. वेन द सन साइन वाटर फ्रॉम द रिवर्स
pond, lake, and ocean heats up and rise in the form of water vapor. High up sky is this water vapor come in can connect with cold air. It cools down to from tiny drops of water. These tiny drops clean together to form cloud. On cooling feather, these tiny drops become heavy and falls as rain. The rainwater flows back to the rivers, pond, lake, and ocean. This cycle of change is called the water cycle. हम देखते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है. यहाँ देखिए वाटर साइकिल, जैसे कि बारिश होती है तो बारिश का पानी आपका कहाँ जाता है, तो बारिश का पानी आपका समुद्र में जाता है, नदी में जाता है, लेक में जाता है, ठीक है ना. और वो जब सूर्य जब निकलता है, सूर्य की गर्मी जब होती है तो वो पानी सूख जाता है. हम लोग देखते हैं कि वो पानी सूख जाता है, नदी सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, तो आखिर वो पानी जाता कहाँ है. तो वो पानी जो होता है वो भाप बनता है, गैस बनता है. और वो जो गैस बनता है वो कहाँ जाता है, वो आपका बादल में चला जाता है. और वही फिर बादल बन के और फिर आपको बारिश होती है, जो कि फिर वही पानी आपके नदी में, समुद्र में, तालाब में आ जाता है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं. ठीक है. सोर्स ऑफ वाटर, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अर्थ का, पृथ्वी का सबसे मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो मेन रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो बट ड्यूरिंग समर द स्नो मेल्ट्स टू फ्रॉम रिवर्स. द रिवर्स फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स. ठीक है ना. सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो रेन है. जब बारिश होती है तो नदी में, तालाब में, सब में पानी आपका भर जाता है. उसके बाद हम देखते हैं कि क्या माउंटेन में बर्फ जमा होता है, जो कि गर्मियों के दिन में पिघलता है. और वो बर्फ जो होते हैं वो पिघल के उसका पानी कहाँ आता है, तो आपके नदी में, तालाब में और समुद्र में चला जाता है. ठीक है. When the snow melts to form, the water is clean. But human beings are making water dirty by throwing waste materials in it. Dirty water cries a number of diseases that makes us unhealthy and weak. We have to make it pure before using it for cooking or drinking. We should store water in clean and covered containers. We should make it pure by boiling, filtering or adding charcoal chlorine tablets in it. ठीक है ना. हम लोग देखते हैं कि जब हम human beings, मनुष्य ही पानी को गंदा करते हैं. ठीक है. तो मनुष्य जब पानी को गंदा करते हैं तो वो पानी आपका पीने के लायक नहीं होता है. तो उसको जब अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उससे हम बीमार हो जाते हैं. इसलिए हमें गंदा पानी, डर्टी वाटर जो होता है वो यूज नहीं करना चाहिए. हमें साफ पानी जो होता है वो यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें तरह तरह की बीमारियों से सामना नहीं करना पड़ता है. ठीक है. हमें साफ पानी से खाना बनाना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए. हमें पानी को ढक के रखना चाहिए, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है ना. और पानी को क्लीन करने के लिए हम उसको बॉइलिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं, यानी कि छान सकते हैं, और उसमें क्लोरीन टैबलेट्स जो होते हैं वो डाल के भी हम पानी को क्या करते हैं, साफ कर सकते हैं. ठीक है.
अब हम देखेंगे वाटर को सेव कैसे किया जाता है। वाटर को हमें सेव करना है, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर एट होम एंड स्कूल, रिमेम्बर एवरी ड्रॉप काउंट्स, सो सेव एवरी ड्रॉप्स फॉर द फ्यूचर। हमें अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए पानी की एक एक बूंद को सेव करके रखना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम पानी को बर्बाद करते हैं तो हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जबकि हमें पीने के लिए भी एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें पानी को, वाटर को सेव करना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है ना, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे और ऑन 22 मार्च बाई सेविंग वाटर। हम लोग सेविंग वाटर डे कब मनाते हैं, तो हम लोग सेविंग वाटर 22 मार्च बाई सेविंग वाटर, सेविंग वाटर डे हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च, ठीक है। ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, फिल इन दी ब्लैंक्स करवाऊंगी। इस चैप्टर को आप लोग घर में बैठकर रीडिंग डालिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।